जहां झारखंड में जेएमएम में बगावत का दौर जारी है, तो वहीं झारखंड में एनडीए के सहयोगी दल भाजपा के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हुए हैं। बीजेपी और आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम झारखंड विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। आजसू 2019 में विधानसभा चुनाव अलग लड़ी थी। करीब डेढ़ घंटे तक आजसू प्रमुख सुदेश महतो और गृहमंत्री अमित शाह के बीच झारखंड चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद सुदेश महतो ने कहा कि चंपई सोरेन का स्वागत है, अगर वो हम लोगों के साथ आते हैं तो विधानसभा चुनाव में इसका फायदा होगा। चंपई जी से भावनात्मक लगाव है, आंदोलन के नाते उनका सम्मान भी करते हैं। सुदेश महतो ने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी वेदना पत्र के माध्यम से शेयर किया है वो काफ़ी दुखद है। राज्य के हित में वो आगे बढ़ते हैं तो साथ आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। हम उन्हें कोई सुझाव नहीं दे सकते, लेकिन झारखंड के लिए वो लड़े हैं, झारखंड के बड़े चेहरे हैं। झारखंड की सियासत में चंपई सोरेन आजकल चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। चंपई सोरेन को लेकर एनडीए कुनबा भी बहुत ही उत्सुक नजर आ रहा है। बीते कुछ महीनों से चंपई जेएमएम से बागी हो चुके हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद चंपई सोरेन को जेएमएम ने झारखंड का सीएम बनाया था, लेकिन हेमंत के जेल से बाहर आने के बाद चंपई को सीएम की कुर्सी हेमंत के लिए खाली करनी पड़ी थी। इन सब घटनाक्रम के बाद जेएमएम ने चंपई नाराज चल रहे थे और वो अपनी नाराजगी खुले मन से जाहिर कर चुके हैं। आपको बता दें कि चंपई जिस कोलाहल से आते हैं वहाँ विधानसभा की 14 और लोकसभा की 2 सीटें हैं और इस इलाके में चंपई सोरेन की अच्छी पकड़ है। आरसू नेता ने कहा कि अगर चंपई सोरेन अपनी बात मंच पर आकर कहेंगे, उनके काम करने का जो स्वभाव रहा है और राज्य को केंद्र बनाकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चंपई जी का हम लोग स्वागत करते हैं। अगर वो गठबंधन में आते हैं तो अमित शाह के साथ सभी राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है, निश्चित रूप से उस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। सुदेश महतो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने लिखा, मेरी प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई और राज्य के विकास में निहित है। जनसेवा और राज्य के प्रति समर्पण ही मेरे कार्यों की प्रेरणा है। इन्हीं मूल्यों के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा और बढ़ता रहा हूं।